नमस्कार, एग्री वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। एग्री कमोडिटी की बात करें तो पिछला हफ्ता काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। नो डाउट मई मंथ ही पूरा इम्पोर्टेंट रहा है एग्री के लिए, बिकॉज जिस ढंग से हमने पूरे मई मंथ के अंदर इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, क्रिप्टो सभी एसेट क्लास में गिरावट देखी है, उसी का एक कैस्केडिंग इफेक्ट हमने एग्री में भी आते हुए देखा। परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो सबसे पहले कैस्टर के अंदर हमने देखा प्रोडक्शन कम होने के चलते ओवरऑल आउटलुक तो पॉजिटिव है, बट डिस्पाइट मई में बाकी एसेट क्लास में गिरावट के चलते एग्री कमोडिटी में गिरावट जरूर थी, बट कैस्टर में उसका असर नहीं था। चाइना के ओपनिंग अप होने से कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी रहने की उम्मीद है, साथ में रुपए में गिरावट के चलते भी ये तेजी रहेगी। आने वाले दिनों में 7-800 का लेवल तोड़ता हुआ 8000 तक का भी लेवल दिखा दे, बट पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो प्राइजेस 0.5% की तेजी के साथ बंद होने में कामयाब रहा। अगले हफ्ते के लिए 7500 की रेंज में लेने के लिए कैस्टर काफ़ी अट्रैक्टिव कमोडिटी है, जो हायर साइड में हमें लगता है कि कहीं ना कहीं प्राइजेस 7650 का लेवल तोड़कर 7800 तक के भी लेवल हम अगले हफ्ते के अंदर देख पाएंगे। वहीं अगर मेंथा ऑयल की बात करें तो यहाँ पे हमने काफ़ी सरप्राइज मूव आते हुए देखा। प्राइजेस के अंदर 5% की गिरावट हमने आते हुए देखी। कहीं ना कहीं प्रोडक्शन लॉसेस के चलते, यील्ड में भी लॉस के चलते हमने देखा था प्राइजेस में एक ज़बरदस्त तेजी बनी, जो 1140 तक का लेवल दिखा दिया था, बट ओवरऑल कहीं ना कहीं डिमांड कंसर्न के चलते प्राइजेस के अंदर फिर से हमने गिरावट आते हुए देखी। ओवरऑल 1040 से लेकर 1050 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम मेंथा में देख पाएंगे। हायर साइड में 1100 का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंट है, ये लेवल टूटता है तो फिर से 1140 तक के लेवल हम आते हुए देख पाएंगे। वहीं कॉटन कॉम्प्लेक्स की अगर बात की जाए तो कॉटन के अंदर हमने आधे परसेंट की बढ़त के साथ मार्केट 48,000 के करीब हमने क्लोज होते हुए देखा, जबकि कॉटन सीड ऑयल के अंदर 4.5% से ज़्यादा की तेजी। कॉटन में हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंटरवेंशन के चलते हायर साइड पे प्राइजेस में दबाव है, साथ में इंटरनेशनल में वेदर कंडीशन खराब होने के चलते प्राइजेस को सपोर्ट मिल रहा है, तो एक टग ऑफ वॉर बना हुआ है। जब तक 140 सेंट का लेवल ब्रिज नहीं होता है, कहीं ना कहीं 140 से 148 सेंट के बीच में ही मार्केट मूव करता हुआ दिखेगा। कॉटन सीड ऑयल के अंदर हमने पहले भी कहा था कि 2750 से लेकर 3000 के बीच में मार्केट का एक दायरा बना हुआ रहेगा। 10 जून तक हमें लगता है ये दायरा कायम रहेगा। 2700-2750 एक लेने का बेहतरीन मौका है, बट बड़ी तेजी हम 3050 का लेवल तोड़ने पे देखेंगे, जहाँ पे मिल्किंग सीजन जल्दी स्टार्ट होने के चलते डिमांड इम्प्रूव होगा। गवर्नमेंट के भी जो फिगर्स है वो बता रहे हैं कहीं ना कहीं डेयरी इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो डबल डिजिट ग्रो करते हुए दिखाई देगी, जिसके चलते हमें लगता है आने वाले टाइम में कॉटन सीड ऑयल के 3050 का लेवल भी तोड़कर होल्ड करता हुआ दिखेगा। वहीं गवार कॉम्प्लेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे कंटिन्यू रिग काउंट्स के चलते हमने देखा प्राइजेस का फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है, साथ में रुपए की गिरावट भी एक्सपोर्ट को सपोर्ट कर रहा है। नॉर्मल मानसून के चलते उम्मीद ये जताई जा रही है कि फार्मर्स का रुझान कपास या अन्य क्रॉप के ऊपर ज़्यादा रहेगा, जिसके चलते आने वाले दिनों के अंदर गवार की जो स्विंग है वो प्रभावित हो सकती है, जिसके चलते कॉटन गवार और गवार गम दोनों में ही एक तेजी का रूप बना हुआ रहेगा। गवार जैसे कि 6000 का लेवल कंटिन्यू मेंटेन कर रहा है, हमें लगता है 6000 के ऊपर कंटिन्यू मेंटेन करने में 6180 का पहला लेवल और 6180 के ऊपर अगर प्राइजेस होल्ड कर जाता है तो 6250 तक का भी लेवल देख पाएंगे। गवार गम के अंदर भी प्राइजेस 11400 के ऊपर आराम से होल्ड कर रहा है। एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि 11850 का इम्पॉर्टेंट हर्डल है, ये लेवल ब्रिज करने पे हम 12200 तक के भी लेवल देख पाएंगे, तो ओवरऑल गवार को भी अगले हफ्ते के लिए हम लेके चल सकते हैं। मसालों के अंदर दबाव कंटिन्यू रहेगा, नो डाउट लोअर लेवल पे फंडामेंटल को देखते हुए बाइंग भी लौटते हुए दिखाई देगी, बट कहीं ना कहीं हल्दी पूरे मसालों के अंदर काफ़ी शानदार दिखाई दे रही है। अच्छी गिरावट के बाद रिकवरी भी अच्छी रही, बट ध्यान रखिए हायर लेवल पे जब तक 8400 के ऊपर क्लोज नहीं होता है मार्केट 8000 से 8400 के बीच में रहेगा, जबकि जीरा धनिया अगले 1-1.5 महीने गिरावट का रूप कंटिन्यू रहेगा, बट जब जब बड़ी गिरावट होती है लोअर लेवल से हम बाइंग भी अच्छे से लौटते हुए देखेंगे। धनिया में
जैसे 10,800 का लेवल छुआ, हमारी उम्मीद थी कि 10,500 तक की सपोर्ट लेने चाहिए थे, बट 10,800 का लेवल छूने के बाद तुरंत लोअर लेवल पे बाइंग लौटती हुई दिखी, जो अगले हफ्ते हमें लगता है कि 11,600-11,700 का एक बाउंड दिखा सकता है। जीरे के अंदर भी 22,000 के ऊपर जाता हुआ प्राइजेस नहीं दिखाई दे रहा है, पर अगले हफ्ते के लिए लिया जा सकता है, जो 21,650 तक का भी लेवल हमें देखने मिल जाएगा। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा।